The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So hi everyone, this is Dr. Paramjeet. You're watching Dr. Education. Those who don't know me, I'm a consultant physician and cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Delhi NCR. और इंदिरापुरम गाजियाबाद में हमारा क्लिनिक है, आप आ सकते हैं कभी भी किसी वक्त और ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं. बट देन फर्स्ट अंडरस्टैंड हु आई एम एंड व्हाट आई डू एंड नो अ बिट अबाउट मी एंड देन यू विल डिसाइड व्हाट एवर यू वांट. सो आज बातचीत करते हैं आपकी आंखों की विटामिन ए, विटामिन ए व्हाट एवर यू कॉल इट, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड ये नाम है उसके. ये बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट, इट्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर विजन, ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी. जी हाँ, विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, फॉर विजन, फॉर इम्यूनिटी, फॉर सेल डिवीजन. बहुत जरूरी चीजें रिप्रोडक्शन. जी हाँ, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है विटामिन ए. और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सेल को फ्री रेडिकल वाली इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. फ्री रेडिकल इंजरी जो होती है वो कैंसर्स कॉज कर सकती है, जैसे टोबैको स्मोक, रेडिएशन, पोल्यूशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियों से बचाती है, बचाते हैं आपको फ्री रेडिकल से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट. और एंटीऑक्सीडेंट एक है हमारा विटामिन ए. सो देखा कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, नॉट जस्ट फॉर विजन, फॉर इवन योर लाइफ. सो कहां से मिलेगा विटामिन ए, नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू गेटिंग इनफ ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए इज प्रेजेंट इन मेनी फूड, बहुत सारे खाने पीने के पदार्थों में विटामिन ए होता है, जैसे कि स्पिनिच. जी हाँ, पॉपाय द सेलर मैन, पालक, स्पिनिच उसमें होता है, और होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ में, और होता है नॉन वेजिटेरियन स्टफ में, जैसे कि लिवर. नॉन वेजिटेरियन स्टफ में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा बीटा कैरोटीन वाले फूड जो होते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स और कैंटालोप्स, इनमें भी होता है. क्यों? क्योंकि बीटा कैरोटीन डायरेक्ट विटामिन ए नहीं है. रिमेंबर, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर. सो बीटा कैरोटीन इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस पर्पस. फिर ओरली आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. सप्लीमेंट्स कई लोग लेते हैं जिसका उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपको आपकी डाइट में पुअर है, आप दूध नहीं लेते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, देन ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा जनाब. कोई हमेशा गाजर थोड़ी खाता है, कोई हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थोड़ी खाता है, तो फिर कई लोगों में कम हो जाता है. सो यू माइट नीड दिस प्रॉब्लम. प्लस सम पीपल जिनकी कुछ स्पेसिफिक बीमारी होती, जैसे पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम, पैनक्रियाज की अगर आपको बीमारी है, आँखों की अगर बीमारी है, मीजल्स है, तो ऐसे लोगों को विटामिन ए की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है. अगर हम विटामिन ए की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को माइंड में रखें, तो ये काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में वैसे ही मिल जाते, बिल्कुल वैसे हैवी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी विटामिन ए भी आपको प्रोवाइड करके देता है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो है कि क्या विटामिन ए के डोसेज है, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज समथिंग लाइक 900 माइक्रोग्राम, MCG माइक्रोग्राम पर डे. और अराउंड विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए 200 माइक्रोग्राम कम, 700 माइक्रोग्राम पर डे ले सकते हैं विटामिन ए. अब लेट्स टॉक अबाउट कुछ बीमारियां जिसमें के विटामिन ए के बेनिफिट देखे भी गए हैं और आपको उससे मदद भी मिलेगी. नंबर वन बीमारी है आपके एक्ने. जी हाँ, एक्ने जिससे हर टीनेजर परेशान होता है, दिक्कत होता है, इन एक्ने वाली चीज़ों में कई बार विटामिन ए के लार्ज डोसेस दिए जाते हैं, मगर विटामिन ए डज नॉट अपीयर टू अफेक्ट एक्ने. लार्ज डोसेस देने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर स्किन केयर में जरूर ये हेल्प करता है.
विटामिन ई डेफिशिएंसी अगर होती है किसी को तो ये बेनिफिट जरूर करता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको होता है जिसको डेफिशिएंसी, जिसको नहीं डेफिशिएंसी उसको इफेक्ट नहीं होगा। रिमेंबर दैट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको खून की कमी हो सकती है, ड्राई आई हो सकता है, आंखें ड्राई हो सकती है और खून की कमी एनीमिया हो सकता है। रिमेंबर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एज रिलेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये आंखों में होने वाली एक बीमारी है जो मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी, सॉरी मैक्यूला आंखों में होता है, तो आंखों के साथ विजन ब्लर होते जाता है उम्र के साथ सभी का। तो जो लोग विटामिन ए बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में लेते हैं उनमें देखा गया है कि ये कम होता है या डिले हो जाता है। कैंसर विटामिन ई सप्लीमेंट्स बच्चों में मीजल्स में जो जिन लोगों को दिया जाता है, और ये भी देखा गया है कि विटामिन ए जो है रिस्क कम करता है आपका कैंसर में। मीजल्स में तो आता ही है, मीजल्स मम्स वालों में देखा जाता है कि विटामिन ए देने से फायदा होता है। रिसर्च बताता है कि मीजल्स से अगर किसी की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, इवन मीजल्स से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है बीमारी बढ़ जाने से, तो विटामिन ए लेने से वो नहीं होती। कैंसर जैसे कि लंग्स, जैसे कि प्रोस्टेट, जैसे कि कुछ अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, उसमें रिस्क थोड़ा सा कम देखा गया है। सो अभी इसको पक्की तौर पर ट्रीटमेंट वाइज नहीं कह सकते, लेकिन रिस्क वाइज जरूर कह सकते हैं कि रिस्क थोड़ा कम होता है। ओरल सप्लीमेंट्स के अलावा विटामिन ए को टॉपिकल क्रीम्स यानी ऊपर से लगाने वाली क्रीमों के हिसाब से भी लिया जाता है, जिसमें कि छोटे से छोटे व्रिंकल्स, एजिंग स्पॉट्स और रफनेस, एक्नी, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है। टॉपिकली जरूर ये काम करती है। रेटिनॉइड्स की क्रीम आती है, जी हाँ बिल्कुल वो काम करती है। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। फिर विटामिन ए के कोई कॉशन, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में आनी, कोई ऐसी कोई डरावनी चीज, कोई ऐसी कोई क्वेश्चन मार्क, भाई साहब प्लीज टेल मी इसका कोई रिस्क। सी एक हेल्दी और वैरायटी डाइट अगर आप लेंगे तो उसमें आपको इनफ विटामिन डी मिल जाएगा। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से के लिए इंटरेस्टेड हो तो फूड इज का बेस्ट सोर्स है, बट विटामिन ए सप्लीमेंट्स के ये ऐसे बेनिफिट नहीं होते जो फूड से मिलेंगे, तो फूड खाना ज्यादा बेहतर है। टू मच विटामिन ए कैन बी हार्मफुल, एंड एक्सेस विटामिन ए प्रेगनेंसी में अगर आप लेंगे तो वो बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में एक्सेस मात्रा में विटामिन ए नहीं लिया जाता है, और प्रेगनेंसी में इसीलिए आपको कोई भी रेटिनॉइड वाली क्रीम्स या एक साल तक नहीं दी जाती, एक साल अगर प्रेग्नेंट होने वाले हो तो, याद रखिएगा। तो दिस इज अबाउट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन ए, लाइक आई सेड। सो what else? safety and side effects. What about safety? What about vitamin A? कितना कितने level तक safe है और कितने level के बाद harmful हो सकता है? Let's talk about that. So अगर बातचीत करें safety की, so large मात्रा में अगर large dose आप ले लोगे, जैसे कि normal आदमी को 900-700 microgram चाहिए, अगर आप उससे 200 गुना ज़्यादा ले लोगे, आपने ले लिया 2 लाख माइक्रोग्राम एक साथ, तो उतना ज्यादा हैवी डोज आपका पेट खराब कर सकता है, नौशिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, ब्लरी विजन कर सकता है। 10,000 माइक्रोग्राम से ज्यादा एक दिन में लेने से कई बार लिवर डैमेज हो जाता है, हेडेक, डायरिया, नौशिया, स्किन इरिटेशन, बोन थिनिंग, जॉइंट पेन्स, बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इससे ज्यादा ना लें, 10,000 ज्यादा हो गया तो अपना विटामिन डी प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ए कतई भी आपको नहीं लेना है, अपने डॉक्टर को अपने प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताते रहना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी में टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेक्शन। जी हाँ, विटामिन ए का आपकी दूसरी दवाइयों के साथ भी इंटरेक्शन होता है। नंबर वन दवाई है एंटीकोएगुलेंट्स। अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी के लिए, खून में क्लॉट के लिए, पैर में क्लॉट के लिए, लंग में क्लॉट के लिए, तो एंटीकोएगुलेंट्स पे विटामिन ए के इस्तेमाल से आपका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, मतलब एंटीकोएगुलेशन का इफेक्ट बढ़ जाता है विटामिन ए के वजह से। दूसरा, देर आर दवाई लाइक बेक्सोरेटीन, टारगेटीन, ये बेसिकली कैंसर ड्रग है, टॉपिकल कैंसर ड्रग है। अगर वैसा उसके साथ लेते हैं तो ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इचिंग हो जाती है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, अगर लिवर को डैमेज करने वाली दवाइयाँ कुछ ले रहे हैं उसके साथ
विटामिन ए लेंगे तो लिवर डैमेज जल्दी होगा। ऑर्ली स्टैट नाम की एक दवाई आती है जो वेट लॉस दवाई है, ये विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कम कर सकती है, क्योंकि ऑर्ली स्टैट या जेनिकैल एल्ली ये बेसिकली ये दवाइयां हैं जो फैट को एब्जॉर्ब होने से रोकती है, और फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते ऐसे केसेस में। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मल्टीविटामिन साथ में लेना पड़ेगा अगर ये दवाई ले रहे हो, और रेटिनॉइड्स अगर ले रहे हो डोंट यूज विटामिन ए सप्लीमेंट्स एंड ओरल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लाइक रेटिनॉइड्स एट द सेम टाइम। दिस कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई विटामिन ए लेवल्स इन द ब्लड एंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। सो दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट विटामिन ए नॉलेज इज, कि जी हाँ ये सिंपल सी चीज नहीं है कि भाई खा लिया नहीं खाया। याद रखिए ड्राई आई अगर आपको है, याद रखिए आंखों में ब्लरिंग है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, उसमें विटामिन ए बहुत काम करती है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, इफ यू डोंट हैव देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड व्हाटएवर यू कैन डू डू इट सो दैट पीपल कैन गेट मोर एंड नोटिस, दिस चैनल कैन गेट नोटिस, पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन विच दे वांट। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेल मी योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर।